ओम शांति हम सब ने बचपन में स्कूल में ही एक वाइस सिंग सुनी है सादा जीवन उच्च विचार यही है सुख का आधार सादा जीवन उच्च विचार अर्थात सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग अगर हम उस बात को आज के जीवन के साथ जोड़ें तो आज मानव ने अपने जीवन को कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना कॉम्प्लेक्स कितना उलझन वाला कितना बंधन वाला बना लिया है प्रगति के नाम पर हम अपने ही जाल में फंसते गए हैं जिसको हम प्रगति कहते हैं वो इतनी हो गई है कि हमारे से संभाली भी नहीं जाती आज आप देखेंगे कि हमने इंटरनेट बनाया है अंतरिक्ष के अंदर स्पेस के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम को इतना विस्तृत कर दिया है कि हर व्यक्ति कोई ज़रा सा भी उसको खाली टाइम मिलता है अब लग तो उसको खाली टाइम मिलता ही नहीं कि वो इस प्रकार की माया जाल में फंसा रहता है जिस चीज़ से उसका कोई संबंध नहीं उससे उसको कोई फायदा नहीं एक प्रकार की जिसको कहते हैं विर्चुअल चीज़ है परछाइयाँ हैं उसको देख देख कर वो अपने नॉर्मल जीवन से बहुत दूर हो गया माता पिता तंग हैं कि हमारे बच्चे हर वक्त इंटरनेट भी देखते रहते हैं हर व्यक्ति डॉक्टर कहते हैं इसका हमारे मानस पटल पर बहुत ख़राब असर पड़ता है गहरा असर पड़ता है तो सादा जीवन कहाँ हमारा सादा जीवन था तो सादा जीवन में हमें किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन कौम्प्लिक, नहीं थी आज का जीवन छोटी छोटी चीज़ों पर आधारित है अगर मान लीजिए हमारा इंटरनेट फेल हो जाए तो आप देखिए ये प्लेन की फ्लाइट उड़ जाती है रेलवे रिजर्वेशन रुक जाती है बैंक वाले कहते हैं अभी इंटरनेट नहीं है तो हमने अपने जीवन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि हर चीज़ एक दूसरी चीज़ पर निर्भर है उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है अगर आप आज से सौ डेढ़ सौ वर्ष पहले का भी जीवन देखें तो हमारा जीवन कितना सादा था बहुत थोड़ी सी रिक्वायरमेंट शरीर शे, के लिए होती हैं वो कुदरत ने हमारी पूरी करी हुई थी कुदरत ने हमें हवा दी इतनी हवा दी इतनी ऑक्सीजन दी कि ख़त्म नहीं होती थी और फ्री फ्री ऑफ चार्ज दी कुदरत ने हमें पानी दिया नदियों के द्वारा भी दिया आकाश से भी दिया धरती से कुएं के द्वारा भी दिया इतना पानी होता था इतना शुद्ध पानी होता था कुदरत ने हमें दूध आदि के लिए गाय भैंस दिए कुदरत ने हमें धरती दी जो अपने आप ही फसल पैदा करती है और हम उससे भोजन प्राप्त कर लेते हैं घर बनाने के लिए आदि आदि हर चीज़ के लिए कुदरत ने हमें फ्री ऑफ चार्ज इतना कुछ प्रोवाइड किया लोग सादा जीवन में आराम से रहते थे लंबी आयु जीते थे उस वक़्त भी आप देखेंगे हॉस्पिटलों का बड़े बड़े का नाम ही नहीं था फिर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का तो इसने नाम ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था लोग स्वस्थ रहते थे प्रायः अब आप सोचिए कि क्या ज़्यादा हॉस्पिटल्स का होना और इतने हर एक एक अंग के लिए स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स का होना स्वास्थ्य की निशानी है या अस्वस्थता की निशानी है तो हम हमें समय नहीं इस बात को सोचने का हम और गहरे गहराए गहरे हॉस्पिटल बनाते जा रहे हैं स्पेशलिस्ट बनाते जा रहे हैं इसलिए समय है रुकने का आज की परिस्थिति में जबकि लॉकडाउन हुआ हुआ है सबके पास सोचने का टाइम है अगर हम इस वक्त भी अपने इंटरनेट को थोड़ा किनारे कर दें या हम समझे कि फालतू टाइम है हम किता टाइम पास करना है तो कोई किताबें पढ़ रहा है कोई ताश खेल रहा है इसको भी छोड़ दें हमें मौका मिला है अपने जीवन के बारे में सोचने का और उस बात के बारे में सोचने का जो हमें बचपन में स्कूल में पढ़ाई गई थी सादा जीवन उच्च विचार तो आप देखेंगे कि व्यक्ति के विचार ऑटोमेटिकली थोड़े हो जाते हैं जब उसकी दुनिया जीवन की कॉम्प्लिकेशन कम हो जाती है जब थोड़े हो जाते हैं तो श्रेष्ठ हो जाते हैं ऑटोमेटिकली हो जाते हैं इसमें किसी को स्कूल कॉलेज जा करके डिग्रियाँ लेने की आवश्यकता नहीं है आप देखेंगे एक कि नॉर्मल किसान अपने काम को जानता है वो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पीएचडी लिया हुआ नहीं है वो नॉर्मली अपने कार्य को जानता है स्वाभाविक तौर पे कुदरत ने जिसको जो जिस प्रकार का जीवन दिया है उस प्रकार की ऑटोमेटिकली अकल भी दी है लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं तो अग, हमें इस वक्त हट कर के देखना चाहिए कि जितने विचार ज़्यादा होते हैं उतने विचार कमज़ोर होते हैं ये तो हर एक व्यक्ति जानता है क्वांटिटी और क्वालिटी इसमें सदा ही फ़र्क रहा है अगर आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो क्वालिटी घट जाएगी और अगर आप क्वांटिटी जितनी कम करेंगे उतनी क्वालिटी ज़्यादा होगी ये तो सीधी बात है किसी परिवार में दो बच्चे हैं तो उनका सारा ध्यान सारा धन माता पिता का दो बच्चों की पालना के लिए लगता है अगर उनके छः बच्चे हो जाएंगे तो उनकी अटेंशन हर चीज़ उसमें बढ़ जाएगी आज भी हम देखते हैं कि एक समस्या दुनिया की आबादी का बढ़ना है तो जितनी जितनी आबादी बढ़ती जाती है उतना दुनिया के रिसोर्सेज बढ़ते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कहते हैं कि गरीबी का एक कारण तो आबादी लगातार बढ़ रही है तो इसलिए दुनिया की आबादी बढ़ने से पहले हम ये सोचें कि हमारे अंदर के संकल्पों की आबादी का क्या हाल है तो हम जानते हैं कि संकल्प ही क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमिन करते हैं ऊंचे विचार सादा जीवन उच्च विचार ऊंचे विचार श्रेष्ठ विचार भले के विचार कल्याण के विचार थोड़े होते हैं लेकिन बहुत भला करते हैं आज हम किस व्यक्ति का सम्मान करते हैं दुनिया में अनेकों लोग आए अनेकों लोग गए लेकिन उसको याद करते हैं जिसने कुछ ऐसे विचार दिए थे जिसके प्रेरणा लेकर आज भी लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रेरित होते हैं जैसे हम देखते हैं महापुरुषों के विचार हैं स्थापकों के विचार हैं उनके दो बोल सुनते हैं तो व्यक्ति उसको धारण करके सारा दिन अपना अच्छी तरह बिताता है कई बहुत से लोग अपने टेबल पर भी एक वाइस साइंस का एक पैड रखते हैं कि सुबह के वक्त दो ऊंचे विचार मन में रख लो तो उसका ध्यान रखेंगे तो मेरे जीवन बेहतर होगा तो अगर हम टोटली totally ये देखें कि हम अपने ऊँचे विचार रखें तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली सादा हो जाएगा और हमारी बुद्धि जैसे कहीं ट्रैफिक जैम हो तो कितना भी कोई कोशिश करे कितना भी ट्रैफिक कंट्रोल कोशिश करे कितने भी सिग्नल्स बनाए तो ट्रैफिक की स्पीड तो घटेगी ही घटेगी रेगुलेट होगा ही नहीं अगर एक भी गाड़ी किसी जगह आके रुक जाए या फेल हो जाए या बीच में आ जाए गलत रास्ते पर आ जाए तो सारा ट्रैफिक रुक जाता है इसी प्रकार से हमें देखना है कि हमारी बुद्धि में ट्रैफिक जैम ऑफ थॉट्स कितना है और क्या हमारी बुद्धि बिल्कुल निर्णय ठीक देती है या जब निर्णय की आवश्यकता होती है तो बुद्धि संकल्पों के ट्रैफिक को कंट्रोल करने में उलझी रहती है और क्या हमारे अंदर और और अधिक संकल्प बढ़ते जा रहे हैं जैसे कोई चिंता लगा ले तो चिंता के कारण बहुत सारे संकल्प पैदा हो जाते हैं कोई व्यक्ति को चोरी कर ले आप देखेंगे कि चोरी उसने की अभी किसी को पता भी नहीं है लेकिन उसका चाल ढाल हर चीज़ बदल जाती है उसकी आंखें तेज तेज झपकने लगती हैं कोई चीज़ वो गिरा देता है क्योंकि उसके मन के अंदर डिस्टरबेंस है तो ये जो डिस्टरबेंस है अगर किसी की बुद्धि में डिस्टरबेंस आ गई किसी के मन में डिस्टरबेंस आ गई तो उसका विचार अगर कोई ऊंचा विचार उठता भी है तो बाकी विचारों में फालतू विचारों के अंदर ऐसा वो दब जाता है जैसे किसी डस्टबिन के अंदर किसी का हीरे की अंगूठी चली जाए इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि ऊंचे विचार रखें और उसके लिए हमारा जीवन ऑटोमेटिकली सादा बन जाएगा क्योंकि आजकल बहुत सारी डिमांड्स बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी इच्छाएं बहुत सारी आकांक्षाएं पैदा की जाती हैं आज की दुनिया कमर्शियल वर्ल्ड है तो कमर्शियल वर्ल्ड वाले भी अपने अपने ढंग से लोगों के मानस पर बम्बार्डमेंट करते रहते हैं कि वह मेरी चीज़ को बाय नेम बाय ब्रांड उनके अंदर घुस जाए छोटे छोटे बच्चे भी आज किसी चीज़ की डिमांड ब्रांड नेम से करते हैं क्योंकि उन्होंने टेलीविज़न में देखा हुआ होता है वो सारा है तो छलावा ही एक हेल्दी व्यक्ति के हाथ में अगर आप मान लीजिए किसी हेल्थ प्रोडक्ट का डिब्बा दे दें तो देखने वाला तो यही समझेगा कि शायद इस प्रोडक्ट से ही वो हेल्दी बना है लेकिन वास्तविकता ये है कि हेल्दी व्यक्ति को ला करके उसके हाथ में वो डिब्बा दिया जाता है ताकि जनता प्रभावित हो और हम देखते हैं ऑडियो विजुअल का बहुत बड़ा छाप पड़ता है तो अगर दिन रात हर व्यक्ति के ऊपर अनेक तरह की बातों का छाप पड़ता रहे और आपको आजकल हम लोग समझते हैं हम सारी दुनिया की न्यूज़ सुन रहे हैं सारे देश की न्यूज़ सुन रहे हैं आज जैसे आजकल कोरोना करोना वायरस है तो उसका एक तो भारत के अंदर बताया जाता है इतना था इतना बड़ा है इतने लोग ठीक हुए हैं इतनों ने शरीर छोड़ा है अब हमने उसको स्टेट वाइज बताना शुरू कर दिया है अब मान लो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ अब मुझे भी बताया जा रहा है फलानी फलानी जगह तो मेरे लिए तो सुपरफुलस इंफॉर्मेशन हो गई ना तो रात को मैं सोऊंगा तो मेरे दिमाग में सारे दुनिया का कहाँ कहाँ करोना वायरस फैला है क्या क्या वही घूमता रहेगा तो क्या उसके मेरे मनोबल बढ़ेगा या मेरा मनोबल घटेगा या मैं और चिंता में जाऊँगा तो इसलिए आजकल कहा जाता है इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन यानी जो अनावश्यक सूचनाएं भी हैं वो हम अपने अंदर अनकंट्रोल्ड धारण किए जा रहे हैं और इन्फॉर्मेशन केवल इन्फॉर्मेशन होती है उसमें से क्या मुझे धारण करना चाहिए क्या नहीं धारण करिए ये, ये होता है नॉलेज फिर नॉलेज भी जो है केवल नॉलेज काफ़ी नहीं होती विजडम चाहिए तो विजडम बहुत थोड़ी होती है तो इसलिए कहा जाता है कि वाइज लोग बहुत थोड़े हैं दुनिया के अंदर और कोई भी व्यक्ति वाइज व्यक्ति बन सकता है अगर केवल वो अपने संकल्पों पर ध्यान दे अपनी बुद्धि मेरी बुद्धि क्लियर रहे ताकि मैं मौके पर अचानक कोई जजमेंट देने का कार्य आए तो मेरी बुद्धि क्लियर जजमेंट दे सके मेरा मन कंट्रोल में रहे ऐसा ना हो कि मैं मन से के द्वारा किसी शक्ति को बुलाऊं और वो शक्ति उस वक़्त हाजिर ना हो जैसे हम रात को सोना चाहते हैं हम चाहते हैं हमें नींद आ जाए तो हम देखते हैं कि जानवरों को भी नींद आ जाती है जो सड़क के किनारे भिकारी होते हैं उनको भी नींद आती है आप देखेंगे ठेले में पड़ा हुआ व्यक्ति सो रहा है, लेकिन जो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझते हैं सारे दुनिया का फिक्र जिनके मन में है वो या कोई चलाकी कर रहा है कल सोच रहा है मैं किसको ठगना है उनको नींद ही नहीं आती नींद ही नहीं आती नींद ही नहीं आती अनेक प्रकार के प्रयत्न करके बड़ी मुश्किल से वह सो पाते हैं ऐसे ही सुबह आँख खुलना है और पंछी देखो आप सुबह ऑटोमेटिकली पंछी के पास कोई घड़ी अलार्म नहीं होता नेचुरली आकाश में आप सुबह देखेंगे पंछी कतारें बनाकर आगे पीछे होते हुए खेलते हुए जा रहे हैं सायकाल को पंछी अपने समय पर देखे खेलते हुए आ रहे हैं लाइनें बनाते हुए और मनुष्य जो है उसकी आँख ही नहीं खुलती कई प्रयत्न करके यत्न करके वो आँख खोलता है काफ़ी हिस्सा और सुबह का जिसको कहते हैं अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज वो तो रहा ही नहीं तो लेट राइजिंग करता है मुश्किल से जा के व्यक्ति उठता है तो ये स्थिति हमारी जो है क्या ये हमारे जीवन को हमारे विचारों को ऊंचा ले जा सकती है नहीं ले जा सकती है? इसलिए आप देखेंगे ऊंचे विचार वाला व्यक्ति उसके पास साधन कम भी हो लेकिन उसका बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है आप देखेंगे कहीं किसी जगह पर कोई क्राउड है कोई झगड़ा हो रहा है उसमें एक शरीफ व्यक्ति जा रहा है तो झगड़ा करने वाले लोग भी कहेंगे अरे ये भला आदमी है इसको छोड़ दो इसको जाने दो यहाँ तक उसके नेचुरल उसके अंदर सम्मान की प्राप्ति होती है अब हमें ये देखना है कि वर्तमान स्थिति में जब मन बिगड़ चुके हैं मन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं बुद्धियाँ हमारी कंफ्यूज हो चुकी हैं और हम समझते हैं कि शायद हमारी बुद्धि इंडिपेंडेंट जजमेंट देती है लेकिन बुद्धि भी इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं देती है अगर आप डीपली देखेंगे तो जितना हमने बुद्धि की जजमेंट्स का उल्लंघन किया हुआ है मान लीजिए बुद्धि हमें कहती है ये नहीं करना लेकिन हम उसका उल्लंघन कर देते हैं दूसरी बार भी बुद्धि कहते हैं ये ठीक नहीं है फिर भी उल्लंघन कर देते हैं तीसरी बार भी बुद्धि कहते ये ना करो फिर भी हम कर देते हैं तो बुद्धि उसके बाद उस बात के लिए जजमेंट देने से जवाब दे देती है उससे आगे कोई गिरावट की बात आएगी तो बुद्धि रोकेगी एक आप अनुभव करके देखेंगे अगर किसी व्यक्ति ने कभी चोरी नहीं की तो बुद्धि उसको कहेगी चोरी मत कर और अगर किसी कमजोरी की वजह से बुद्धि का उल्लंघन करके वो चोरी कर लेता है तो उसकी बुद्धि की आज्ञा का पालन करने की शक्ति घट जाएगी जब दूसरी बारी चोरी करेगा तो बुद्धि फिर कहेगी चोरी ना कर लेकिन वो उसका उल्लंघन दोबारा कर देगा फिर तीन बार के बाद बुद्धि उसको कहना रोक देगी चोरी ना कर लेकिन वही व्यक्ति अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाए और वो छुरा लेकर किसी को मारने की कोशिश करे बचने के लिए तो फिर उसको बुद्धि कहेगी ये करना ठीक नहीं है किसी का खून करना ठीक नहीं है अगर तीन बार उसका उल्लंघन कर देता तो बुद्धि उसको छोड़ देती है कि चलो जो करता है करने दो फिर भी अगर व्यक्ति अंधाधुंध गोलियां चला रहा है और उसके अंदर उसका अंकल खड़ा है तो उसकी बुद्धि फिर कहेगी देख जिसको तू मारना है मार दे ये तेरा अंकल है इसको नहीं मारना तो स्टेप बाय स्टेप हमारी बुद्धि जवाब दे देती है और हमारे संस्कार उसको ओवर पावर कर लेते हैं तो हम ये ना सोचें हमारी बुद्धि इंडिपेंडेंट जजमेंट देती है इसलिए हमें अपनी बुद्धि के कांटे को भी सीधा करना होगा आप देखेंगे कोर्ट्स के अंदर जो सिंबल बनाया गया है वो तराजू का बनाया गया है और उसके अंदर यही है कि बिल्कुल सेंटर में अगर कांटा आता है तब आप ठीक न्याय दे सकते हैं ठीक जजमेंट कर सकते हैं तो हमें भी हर वक़्त ये देखना है कि हमारे जीवन की कचहरी में हम कहीं गलत तो नहीं करते जा रहे तो इसलिए इन सब बातों के लिए एक मोटी बात है आखिर हम सादा जीवन उच्च विचार कैसे रखें तो हमने आपको बताने की कोशिश की कि आज हम अपनी बुद्धि पर भी रिलाई नहीं कर सकते कि हमें वो ठीक जजमेंट देगी और हमारे जो मित्र होते हैं कहा जाता है जिस तरह के लोग होते हैं उसी तरह की कंपनी ढूंढते हैं ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर फ्लॉक टुगेदर तो हम फिर अगर अब राय भी पूछते हैं तो अपने जैसे लोगों से पूछते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी बात में हाँ कर देंगे अगर हमें शक पड़ जाए कि शायद ये व्यक्ति जिसको मैं राय पूछ रहा हूँ मेरी ना करेगा हम उससे राय पूछते ही नहीं तो ऐसी परिस्थिति में अब फिर हम अपनी बुद्धि के कांटे को सीधा कैसे करें और उच्च विचार कैसे लाएं तो इसके लिए एक ही उपाय है वर्तमान परिस्थिति में और वो है उसके साथ अपनी बुद्धि को कनेक्ट करें जो सदा न्यायकारी है जो न्याय भी करता है और दया भी करता है दुनिया के अंदर अगर कोई न्यायकारी हो और वो दया कर दे तो न्याय से उसको पीछे हटना पड़ता है अगर वो न्याय करे और दया ना करे तो किसी का वो भला भी नहीं कर सकता लेकिन भगवान ऐसा है परमात्मा के लिए हम कहते हैं गॉड इज़ बोथ जस्ट एंड काइंड परमात्मा न्याय भी करता है लेकिन दया के रखते हुए न्याय करता है अगर गॉड हमारे साथ न्याय करता है तो हमें अच्छी तरह से कंफर्टेबल बना के करता है कि देखो इस चीज़ के तुम इस पनिशमेंट के तुम अधिकारी हो हमने देखा है जब हम बाबा की ज्ञान मुरलियाँ सुनते हैं उसके अंदर बाबा हमें कई प्रकार की बातें कहता है लेकिन हमें समझा के कहता है ये देखो कभी कभी कह देता है बच्चे तुम बंदर बुद्धि बन गए हो कहाँ तुम देवता बुद्धि थे लेकिन समझा के कहता है कि तुम्हारी बुद्धि चंचल हो गई है इसलिए अगर हमें वर्तमान समय अपने जीवन में सादा जीवन बनाना है और श्रेष्ठतम विचार रखने हैं तो एक ही तरीका है और वो ये है कि जिसको हमने बुद्धिवानों की बुद्धि कहते हैं जिसको हम पतित पावन कहते हैं जिसको हम मार्ग दर्शाने वाला कहते हैं उस परमात्मा के साथ हम बुद्धि योग लगाएं और फिर बुद्धि योग लगा के परमात्मा के ऊपर निश्चय रख कर सब उसके ऊपर छोड़ दें आज एक और बात भी है कि हम वैसे कहते हैं हे परमात्मा ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है लेकिन अगर उसमें से कोई चीज़ हमारी छिन जाए चोरी हो जाए या किसी इष्ट की मृत्यु हो जाए तो हम फिर परमात्मा को कहते हैं परमात्मा तुमने मेरा बच्चा क्यों वापस ले लिया परमात्मा तूने मेरी कार क्यों चोरी करवा दी तो पहले हम कह रहे थे सब तेरा है अब मेरा कहने लग जाते हैं इसी प्रकार से परमात्मा के साथ बुद्धि जोड़कर परमात्मा की राय पर चलना ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने नैया उसके हवाले कर दी ये भगवान तू नैया का खबैया है हम अच्छी तरह समझते हैं हमारी नैया हम खुद चलाएंगे तो मझदार में जाएगी डूबने का भी खतरा है गलत दिशा में जाने का भी खतरा है बहुत दुख होगा हम अपनी नैया तेरे हवाले करते हैं और तू खबैया तू अवश्य ही उस पार ले जाएगा क्योंकि आप शक्ति सर्वशक्तिवान हो लेकिन फिर हम उस नैया में बैठकर जब खबैया एक दिशा में ले जा भी रहा है तब भी हम कहते हैं भगवान नैया को रोको इस तरफ मैं ये चाहता हूँ इस तरह से करो तो भगवान कहता है फिर मन मत पे भी चलने लग जाते हैं इसलिए सादा जीवन उच्च विचार के लिए हमें अपने आप को बच्चा मानना पड़ेगा कि हम किसी भी आयु के हैं किसी भी विधवत्ता के हैं कोई भी हमारी विशेषता है लेकिन हम परमात्मा के बच्चे हैं एक दो दस विशेषताएं होना अच्छा है लेकिन अगर एक भी कमी है तो उन सब विशेषताओं को ज़ीरो कर देती है आप देखेंगे आपके घर में पंद्रह खिड़कियां हैं आपने चौदह बंद कर ली एक छोड़ दी तो तूफान तो उसी रास्ते से आ जाएगा इसलिए भगवान कहता है कि मेरे हवाले कर दो मेरे बच्चे बन जाओ मेरे ऊपर निश्चय रखो मैं तुम्हारी बुद्धि को ऑटोमेटिकली ऐसी गाइडेंस दूंगा और गलत रास्ते में जाने से बचा बचाऊँगा तुम्हें टच करूँगा वार्निंग दूंगा ताकि तुम अपने जीवन को सादा बना सको उच्च विचार वाला बना सको और तुम्हारे जीवन की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं भगवान कहता है अगर मैं सारी दुनिया के जीव जंतुओं की पूरी करता हूँ हर एक की पूरी करता हूँ पेड़ों में फल लगा देता हूँ फूल उगाते हैं पंछियों को भोजन मिल जाता है तो तुम्हारी नहीं करूँगा तुम तो मेरी श्रेष्ठ रचना हो इसलिए परमात्मा के बच्चे बनकर जीवन नैया को उसके हवाले करके और सिंपली परमात्मा की जो हमें शिक्षा मिले उस पर चलते रहेंगे तो हमारा जीवन सादा हो जाएगा हमारे विचार उच्च हो जाएंगे हम इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बचकर ना केवल स्वयं के लिए सक्षम हो जाएंगे बल्कि हम दूसरों को भी सहयोग देने की स्थिति में आ जाएंगे अब इसके लिए भगवान ने हमको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम और दुनिया में किसी के साथ भी कर्म करेंगे तो कर्म का फल हमें मिलेगा कहा जाता है जैसा करोगे वैसा पाओगे जितना करोगे उतना पाओगे जो करेगा वो पाएगा लेकिन वो एक लिमिटेड प्रकार का लेन देन की बात है कि मैंने अच्छा कर्म किया मुझे अच्छा फल मिला लेकिन अगर कोई परमात्मा के साथ लिंक होता है तो परमात्मा हमें इस अनुपात में हमारे कर्मों का फल नहीं देता परमात्मा तो परम पिता है तो पिता होता है पिता का तो व्यक्ति को इनहेरिटेंस मिलता है जैसे राजा का बच्चा है तो राजा के बच्चा कोई कर्मों के आधार पर राजा उसको उसका फल नहीं देता वो तो अपने दास दासियों को देता है लेकिन बच्चे को तो इनहेरिटेंस मिलता है ना तो भगवान कहता है अगर तुम मेरे बच्चे रियल रूप में बन जाओ तो मेरा इनहेरिटेंस इतना है इतना तुम्हारा उत्तराधिकार है कि भगवान के दरबार में किस चीज़ की कमी है कि एक का पदम गुना तुमको फल मिलता है भगवान ने इतना तो रखा हुआ है कि तुम एक कदम चलो तब मैं आगे बढ़ूँगा अगर तुम एक कदम भी नहीं चलोगे तो ये तो फिर माना ही नहीं जाएगा कि तुम मेरे पर निश्चय रखते हो अपने जीवन नैया को मेरे लिए सरेंडर किया हुआ है और जो मैं तुमको टचिंग दूंगा श्रीमत दूंगा उसको फॉलो करोगे लेकिन अगर हम करते हैं तो हमारी इनहेरिटेंस इतनी अनलिमिटेड बनती है क्योंकि ये कर्मों का फल नहीं है ये पिता की इनहेरिटेंस है और पिता परमात्मा की इनहेरिटेंस हम जानते हैं कितनी बड़ी हो सकती है ये पिता परमात्मा के पास वो सर्व शक्तियों के सागर हैं सर्व गुणों के सागर हैं इसलिए सागर के बच्चे तो उसका स्वरूप बन जाएंगे ना तो इसलिए भगवान ने हमें एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि अगर कोई जड़ में पानी देता है चाहे एक गिलास पानी देता है तो उस जड़ में दिया हुआ पानी कुछ ना कुछ हिस्सा उसका सारे वृक्ष को मिलता है लेकिन अगर वो पत्तों को पानी देता रहता है खूब पानी देता है तो एक जरा बूंद भी वृक्ष को प्राप्त नहीं होती है इसके लिए बाबा ने हमें एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है अगर आप एक एक यानी परमात्मा अल्लाह एक परमात्मा अगर उसके आगे ज़ीरो लगाओगे तो दस हो जाएगा दूसरा ज़ीरो लगाओगे तो सौ हो जाएगा ऐसे ज़ीरो लगाते जाओगे तो अनगिनत तुम्हारी इनहेरिटेंस हो जाएगी यानी बेशुमार जिसको कहते हैं गिना ही नहीं जा सकता लेकिन अगर आप एक को हटा लो तो फिर ज़ीरो के ज़ीरो ही रह जाएंगे कितने भी ज़ीरो लगाओगे उनका वैल्यू तो ज़ीरो ही रहेगी ना इसलिए भगवान कहता है कि पहले एक अच्छी तरह से समझें आज के मानव ने यही गलती की है जैसे कोई ऑर्फन होता है किसी के माता पिता या तो से ना रहें या माता पिता से बच्चा बिछड़ जाए तो बड़ा दुखी होता है वो मेहनत करता है हाथ पैर मारता है इसीलिए भगवान कहता है कि आज सारे मानव दुनिया में हर भरसक प्रयत्न कर रहे हैं शरीरिक प्रयत्न कर रहे हैं मटेरियल प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन असली जो इन सब चीज़ का उपाय है एक परमात्मा को याद करें एक परमात्मा से कनेक्शन जोड़ें तो बाक़ी प्रयत्न में भी उनके ताकत आ जाती है ईश्वरी शक्ति आ जाती है सही दिशा आ जाती है और थोड़े में बहुत कुछ हो सकता है ओम शांति